दोस्तों, गुरु नानक देव जी समाज के लोगों को सदैव परमपिता से मिलन का मार्ग बताते रहे। उन्होंने ऐसे कई अनमोल वचन दिए हैं जिनका पालन कर व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। वर्ष 2024 में गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है। इस वीडियो के माध्यम से हम उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करते हैं। गुरु नानक देव जी, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम मेहता कालू और माताजी का नाम तृप्ता था। इनके पिता तलवंडी गांव में पटवारी का कार्य करते थे। गुरु नानक देव जी का विवाह 1487 में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। गुरु नानक देव जी ने कई तीर्थ यात्राएं की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने अपना अंतिम समय पाकिस्तान के करतारपुर में बिताया। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें सिख धर्म के संस्थापक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुद्वारों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। इसके अलावा गुरुवाणी का पाठ और लंगरों का आयोजन भी किया जाता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी ने लोगों को सदैव सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर की भक्ति करने वाले जातक को जीवन में कभी भी भय नहीं रहता। कभी किसी बुरे कार्य को करने के बारे में न सोचे। जीवन में सदैव खुश रहना चाहिए और प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। रोजाना ईश्वर की सच्चे मन से उपासना करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी का निधन 22 सितंबर 1539 को करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में है, वहीं पर हुआ था। गुरु नानक देव जी ने अपनी मृत्यु से पहले ही शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बना दिया था। उनके अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और आज भी उनकी शिक्षाएं मानवता को सही दिशा देने का कार्य कर रही है। गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी बहुत प्रासंगिक है, जो हमें एकता, समानता और करुणा का मार्ग दिखाती है। उनके विचारों ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया और एक आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जय गुरु नानक देव।